हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी से जुड़े रिसेंट न्यूज़, आईआईटी न्यूज़ करंट अफेयर्स 2022। आईआईटी से जुड़े कोई भी न्यूज़, रिसर्च डेवलपमेंट, एनी पॉलिटिकल न्यूज़, करंट अफेयर्स न्यूज़, जो भी आईआईटी से जुड़े न्यूज़ बने उसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सवाल है, रिसेंटली विच आईआईटी डेमोंस्ट्रेटेड मीमो टेक्निक, किस आईआईटी ने हाल में मीमो तकनीक का प्रदर्शन किया? इसका आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तो मीमो क्या है? मासिव टेक्निक। मीमो टेक्निक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्निक। तो बेस्ड ऑन 5G एडवांसमेंट एंड 6G डिप्लॉयमेंट। ये 5G कनेक्शन जो टेलीकॉम कनेक्शन है उसके एडवांसमेंट और फॉर द डिप्लॉयमेंट एंड स्टार्टिंग ऑफ 6G कनेक्शन रेफर्स टू नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज वेरी लार्ज एंटीना एरेज फॉर अ बेटर एंड फास्टर कनेक्शन कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। तो मीमो उसी का जो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्निक, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT रिसर्चर्स डिस्कवर्ड इंडस फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी? पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी ये किया गया, ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो इसका नाम है कदम, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय रिसर्चर, फर्स्ट मेड इन इंडिया पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। आप ये देख सकते हैं इमेजेस, ये रोटेटेबल और पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, एक घुटना है फॉर जिनके मतलब दोज हु आर डिवाइड ऑफ लेग्स, हैज़ अ वेरिएबल सेंटर ऑफ रोटेशन अलाइंग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑल फेज ऑफ गेट। तो ये आप देख सकते हैं इमेजेस में, एक प्रोस्थेटिक नी है। तो इसको डिस्कवर किया IIT मद्रास में, इसको नाम दिया गया कदम। विच IIT हैज़ डेवलप्ड ICU वेंटिलेटर जीवन लाइट रिसेंटली? तो जीवन लाइट ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया IIT हैदराबाद के द्वारा। तो डेवलप्ड बाय IIT हैदराबाद एंड सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेनरशिप और इनाग्रेट किया गया डॉक्टर तमिलिसेल सौंदराजन के द्वारा, जो कि तेलंगाना की गवर्नर है। दूसरा न्यूज़ जो IIT से बना, IIT हैदराबाद तो IIT हैदराबाद लॉन्च्ड इंडस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसका नाम है सुराजबिलिटी। तो सुराजबिलिटी के तहत जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो ये भी IIT हैदराबाद ने डिस्कवर किया। तो ये दो न्यूज़ IIT हैदराबाद से इस क्वेश्चन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT डेवलप्ड एंड अनविल्ड पीटा स्किल सुपर कंप्यूटर परम गंगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो IIT रुड़की हैज़ डेवलप्ड एंड अनविल्ड पीटा स्किल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा। द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल फैसिलिटी एट IIT रुड़की और इसका कैपेसिटी 1.66 पीटा फ्लॉप्स। पीटा फ्लॉप इज द मेजरमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है उसको कहा जाता है, एन एक्सप्रेस एट 1000 trillion फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, उसी को पेटाफ्लॉप कहा जाता है। और ये सुपर कंप्यूटर परम गंगा IIT रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया एज पर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT डेवलप्ड इंडस फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी ताइहान? ताइहान को किस IIT ने डेवलप किया? तो अगेन IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद डेवलप्ड इंडस फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी ताइहान। ताइहान क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ये स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए है, उसके लिए डेवलप किया है IIT हैदराबाद ने ताइहान। विच IIT डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स टू प्रिवेंट क्रॉप डिजीज फेलियर्स? तो फसलों में जो ये होता है सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स किस IIT ने डेवलप किया? ये किया गया IIT कानपुर के द्वारा। तो रिसर्चर्स एट IIT कानपुर हैव क्रिएटेड अ बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल दैट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड। ये क्रॉप्स को बचाने के लिए और जो भी बैक्टीरिया फंगल इफेक्ट होता है उससे बचाने के लिए ये IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स। और IIT कानपुर से एक न्यूज़ था लास्ट दिसंबर का, दिसंबर 21 का लास्ट में, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज। तो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री जो IIT कानपुर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था अंडर नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। तो ये भी IIT कानपुर से दो न्यूज़ बनते हैं।
विच आईआईटी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन बाय सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के द्वारा किस आईआईटी को दिया गया ऑप्शन डी सो आईआईटी रुड़की वॉन द फर्स्ट पोजिशन इन मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री बाई सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और आईआईटी रुड़की से दूसरा जो न्यूज़ है तो आईआईटी रुड़की लॉन्च्ड किसान मोबाइल ऐप फॉर उत्तराखंड फार्मर्स एंड ग्रामीण कृषि मौसम सेवा तो ये भी आईआईटी रुड़की से दो न्यूज़ बनते हैं विच आईआईटी रिसेंटली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे टेक्निक चेस्ट एक्सरे टेक्निक एआई बेस्ड किस आईआईटी ने अनवील किया ये किया गया ऑप्शन ए आईआईटी जोधपुर के द्वारा सो आईआईटी जोधपुर हैव प्रपोज्ड अ डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम जिसका नाम है कॉमेट नेट तो जो आर्टिफिशियल एआई बेस्ड चेस्ट एक्सरे टेक्निक है इसका नाम है कॉमेट नेट विच लर्न द एबनॉर्मलिटी इज प्रेजेंट इन द चेस्ट एक्सरे इमेजेस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कोविड 19 अफेक्टेड लंग एंड नॉन कोविड अफेक्टेड लंग तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एआई बेस्ड चेस्ट एक्सरे टेक्निक जिसका नाम है कॉमेट नेट आईआईटी जोधपुर के द्वारा डेवलप किया गया बात करें दूसरे ऑप्शन की तो आईआईटी धारवाड़ से एक न्यूज़ था रिसेंट एक मंथ पहले का तो आईआईटी धारवाड़ लॉन्च द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये जो किया गया आईआईटी धारवाड़ के द्वारा जो कि कर्नाटका में है जॉइंटली डेवलप्ड बाय एचएचएसआईएफ हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन तो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इसको लॉन्च किया गया आईआईटी धारवाड़ के द्वारा विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड हीट टॉलरेंट कोविड 19 वैक्सीन मिनवैक्स तो मिनवैक्स कोविड 19 वैक्सीन किस संस्था ने डेवलप किया ये किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा विथ बायोटेक स्टार्टअप मिनवैक्स सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा जिसका स्पीड है 3.3 पेटाफ्लॉप्स इंस्टेट एट किस जगह इंस्टॉल किया गया परम प्रवेगा ये किया गया आईएएससी बेंगलुरु वहाँ किया गया परम प्रवेगा बाय सीडैक परम अनंत सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल एट विच आईआईटी तो किस आईआईटी में इंस्टॉल किया गया परम अनंत ये किया गया आईआईटी गांधीनगर में तो ये चीज़ आप कंफ्यूजन ना हो बाद में तो अलग अलग सुपर कंप्यूटर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अनवील किया गया डेवलप किया गया इन विच एनआईटी परम पोरोल सुपर कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड इन मे 2022 ये किया गया एनआईटी तिरुचिरापल्ली में एनआईटी तिरुचिरापल्ली में परम पोरोल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में इंस्टॉल किया गया मार्च 2022 में ये किया गया आईआईटी खड़गपुर में विच आईआईटी टॉप इन ओवरऑल कैटेगरी इन इंजीनियरिंग कॉलेज रैंकिंग इन एनआईआरएफ एनआईआरएफ जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क तो ये टॉप किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा NIRF 2022 रैंकिंग में जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया इसमें IIT मद्रास टॉप किया ओवरऑल कैटेगरी और इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में तो ये था IIT से रिलेटेड करंट अफेयर्स का न्यूज़ और आप बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू